हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी कुछ सेकंड में। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे कुछ 2 से 3 नंबर बताऊंगा, 2 से 3 एग्जांपल सॉल्व करूंगा और आपको प्रैक्टिस करना है और आप इजिली 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर सकते हो, वो भी कुछ सेकंड में। तो यहाँ पे मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, 3 2 लिखता हूँ, 1 और 2। ये थोड़ा सिंपल लिया है, आपको यहाँ पे 3 स्टेप याद रखना है हमेशा। मैं आपको पहला स्टेप क्या है, आपको ये दोनों को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर अगेन क्या करना है, आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना, फिर प्लस इसको मल्टीप्लाई करना। थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ईजी है ये और कुछ सेकेंड में आप 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहला एग्जाम्पल जैसे लिखा, 3 2 1 2 मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट स्टेप मेरा क्या था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 2 × 2 इक्वल टू कितना आता है, 4। अगेन मैंने क्या बोला, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस इसको इसके साथ, मतलब क्रॉस करना है, दोनों को ऐड करना है, मतलब 3 × 2 करना है आपको, ये क्रॉस किया प्लस 1 × 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6। 3 × 2 = 6 प्लस 2 × 1 = 2 कितना आ जाएगा, 8। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये क्या आएगा आपका, 8। फिर अगेन आपको क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये 3 × 1 = 3, ये क्या आएगा आपका, 3। ठीक है, आपको होप करता हूँ आपको ये क्लियर होगा। अब मैं एक थोड़ा और एक बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, सेकेंड, यहाँ पे ये क्या ले लिया मैंने, यहाँ पे 6 7 और यहाँ पे 2 4, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इसको इसके साथ, अगेन लिख दीजिए यहाँ पे 7 4, 7 4 क्या आएगा, 28, 7 4 = 28। यहाँ पे क्या करना है, बट आपको यहाँ पे डबल डिजिट है दोस्तों, हमने जो पहला सॉल्व किया वहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे आपको क्या डबल डिजिट है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे खाली पहला नंबर लिखेंगे, मतलब 8 लिखा, 2 आपका क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अगेन आपको क्या करना है, 6 × 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 6 × 4 कितना आएगा, 6 4 = 24, 24 प्लस, फिर उसको प्लस यहाँ पे लिख दीजिए और इसकी जो आंसर आएगी उसके साथ प्लस करना है, मतलब इसकी 7 × 2 ये कितना आ जाएगा, 14। तो आपको क्या करना है, इसमें 24 में 14 ऐड करना है, मतलब 24 + 4 कितना आ गया, 4 4 8, 2 1 3 कैरी वाला पार्ट आपको ऐड करना है, 2 ऐड कर दिया, 38 + 2 कितना आएगा, 40, 8 2 10, 3 1 3 था और 1 कैरी हुआ, 40 आपको लिखना कितना है, 0, 4 आपका कैरी हो जाएगा। थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 6 × 2 कितना आता है, 6 × 2 = 12, कैरी आप ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, 12 + 4 = 16 कितना आ गया, 1608। तो दोस्तों, आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और आप कुछ सेकंड में 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, #maxmode, #max को इजी बना दूंगा। तो आगे मिलेंगे अपने दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।